एक दलाल और है जो चुपचाप आता है, जो यहाँ से लेकर के और तमाम दफ्तरों में चक्कर लगाता है। एक थार गाड़ी यूज कर रहा है सीआई, एक स्कॉर्पियो करता है, वो इसके दलाल है। शक्ल से लगता है बहुत सीधा है और वो दलाली कर रहा है, उन्हीं की दलाली बंद करने हम लोगों ने ठान लिया। जो नगद लिया आता है उसका तो आने दो। ये जो सीआई यहाँ बैठे हैं ये इस प्रकार के हैं कि यहाँ आपको मुख्यमंत्री से मिलना आसान है, इससे मिलना आसान नहीं। मुंडावर थाना प्रभारी राजीव डूरी की कार्यशैली के विरोध में कांग्रेस विधायक ललित यादव ने गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे से थाना के समक्ष धरना शुरू कर दिया है। विधायक ललित यादव का कहना है कि थाना प्रभारी की कार्यशैली हफ्ता वसूली की बनी हुई है और हफ्ता देने वाले अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं। हफ्ता नहीं देने वाले ट्रैक्टरों को घर से लाकर रात को बंद कर दिया जाता है और हफ्ता देने पर सुबह छोड़ भी दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं और विधानसभा में एवं बड़े पुलिस अधिकारी के पास मामला रखे जाने की पूछने पर धरना दे रहे विधायक ने बताया कि एसपी को थाना प्रभारी की इस भ्रष्ट कार्यशैली के बारे में कई बार बता दिया गया है, लेकिन वे इस बार इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और इस वजह से उनको धरने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा या किसी का भी मुख्यमंत्री से मिलना आसान है, लेकिन मुंडावर थाना प्रभारी से नहीं मिला जा सकता है। थाना प्रभारी से वही मिल सकता है जो उसे हफ्ता देगा। और धरने के मौके पर कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पार्षद, एमपीएस, सरपंच सहित आम कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। जिस प्रकार की मांग हमारी है उसके ऊपर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में धीरे धीरे लोग इलाके से आ रहे हैं, लोगों को संदेश पहुँच रहा है। जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। जनता की सहूलियत के लिए जनता ने इसलिए मतदान किया था हमारे पक्ष में कि 5 साल जब जो निकलेंगे तो सहूलियत से निकलेंगे, ईमानदारी से निकलेंगे, जनता की भलाई के लिए काम होगा। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जनता के साथ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, थाना इंचार्ज सीआई द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जबरदस्त उठा के लाया जाता है, उससे पैसा लेके छोड़ दिया जाता है, ट्रैक्टर को लाके बंद किया जाता है, वसूली लेके सुबह छोड़ दिया जाता है, घरों से ट्रैक्टर उठाया जा रहा है, जबकि आमने सामने थाने के नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन गरीब आदमी जो पहाड़ में एक वक्त की रोटी गुजारा करता है उसको लाकर थाने बंद करने काम करते हैं, उनके हथियार लाकर बंद करने काम करते हैं। लेकिन यहाँ हम बैठे हैं, जब से यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर निकल गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, केवल और केवल हफ्ता वसूली। जो हफ्ता देगा वो ट्रैक्टर चलाएगा, वो गलत काम करेगा, बाकी जो हफ्ता नहीं देगा उसको लाके हम लोग बंद करें, उसके खिलाफ हमारी मुहिम आखिर तक चलती रहे। इससे पहले विधानसभा में आपने कभी मामला उठाया? विधानसभा में भी हमने बहुत सारे मामले मुंडावर के उठाए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के भी हमने लिख करके दिया है और जरूरत पड़ेगी तो सब जगह उठाएंगे इस मामले को। एसपी को तो 20 बार बता दिया हमने, एसपी साहब को तो सैकड़ों बार बता दिया हम लोगों ने। ये जो सीआई यहाँ बैठे हैं ये इस प्रकार के हैं कि यहाँ आपको मुख्यमंत्री से मिलना आसान है, इससे मिलना आसान नहीं। जनता आती है चली जाती है, पूरे दिन सोता है, बात नहीं करता। जो नगद ले आता है उसका तो आने दो और जो उधार उसको जाने दो। और इसका दलाल है जो पंचायत समिति से लेकर के और पूरे इलाके में दलाली कर रहा है उसको भी नहीं बख्शेंगे, उसकी भी एक एक ईंट उखाड़ने का काम करेंगे। जो जिस प्रकार से गाड़ी यूज करी जा रही है, एक थार गाड़ी यूज करा सीआई, एक स्कॉर्पियो करता है, वो इसके दलाल है, एक दलाल और है जो चुपचाप आता है, जो यहाँ से लेकर के और तमाम दफ्तरों में चक्कर लगाता है। शक्ल से लगता है बहुत सीधा है और वो दलाली कर रहा है, उन्हीं की दलाली बंद करने हम लोगों ने ठान लिया, बंद कराएगा।